दहेज एक ऐसा शब्द जिसे अधिकतर लोग नफरत करते हैं और कुछ इसका स्वागत करते हैं, लेकिन जो भी लोग इसमें लिप्त पाए जाते हैं वो कानून के सामने मुजरिम हैं। ये कानून विवाहित महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाया गया था, लेकिन हाल ही के वर्षों में कुछ ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें इस कानून का दुरुपयोग हो रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम लीगल पॉइंट में। मैं हूँ भावना नैयर, और जैसा कि आप पहचान ही गए होंगे, आज हम बात कर रहे हैं दहेज विरोधी कानून के दुरुपयोग के बारे में। और इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए हमारे साथ तीन एक्सपर्ट मौजूद हैं। हमारे साथ आर एन वत्स हैं, आप अध्यक्ष हैं दिल्ली बार एसोसिएशन से। वत्स जी, आपका स्वागत है। अनु मेहता हैं, अधिवक्ता हैं दिल्ली उच्च न्यायालय से। अनु जी, आपका भी स्वागत है। और अमित लखानी हैं, समन्वयक हैं ये सेफ फैमिली फाउंडेशन से। अमित जी, आपका भी स्वागत है। और दर्शकों, अगर आप भी हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं, इस विषय से कोई जुड़ा सवाल पूछना चाहते हैं, अपनी कोई राय रखना चाहते हैं, हमारे एक्सपर्ट से कुछ पूछना चाहते हैं, अपनी कोई परेशानी हमसे शेयर करना चाहते हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर आप नोट कर सकते हैं, हमारा टोल फ्री नंबर है 1800115314, और हमारा लैंडलाइन नंबर आप नोट कर लीजिए 2303-5420। अगर आप दिल्ली के बाहर के कॉलर हैं तो दिल्ली का एसटीडी कोड 011 लगाना ना भूलें। चर्चा की शुरुआत करते हैं वत्स जी आपके साथ। दहेज प्रथा के खिलाफ जो कानून बना था उसमें महिलाओं के लिए ये कानून तो ब्रह्मास्त्र माना जा रहा था, फिर हाल ही के वर्षों में जो मामले सामने आ रहे हैं, इस कानून का दुरुपयोग हो कहाँ रहा है? देखिए, दहेज के कानून का दुरुपयोग बहुत धीरे धीरे इसका प्रारंभ हुआ जी। और पिछले 3-4 सालों से ये देखने में आया कि कुछ लोग इस जो कानून जो महिलाओं की सेफ्टी के लिए बनाया गया था, उस कानून का दुरुपयोग पैसा ऐंठने के लिए कर रहे हैं, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और ऐसा करना, ये लोग समाज के विरोधी लोग हैं, और ये महिलाओं के जो संवैधानिक उनको राइट्स दिए गए हैं, उस राइट्स को ये खत्म करने की एक साजिश है जी। बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं आज भी जो दहेज के कानूनों के कारण तंग होती हैं, और पार्लियामेंट ने जो ये एक्ट दिया था ये उनको सुरक्षा के लिए दिया था। लेकिन अब ये देखने में आया है कि ये रिसेंट ट्रेंड है, बहुत जल्दी ही ये लोगों ने ये देखा है कि कुछ महिलाएं गलत तरीके से कंप्लेंट करके उस परिवार के सारे लोगों को, और कई बार तो जो एक परिवार के बाहर के रिश्तेदार भी लोग हैं, जैसे एक लड़का है उसकी मैरिड सिस्टर है, उसके मामा जी हैं, उसके ताया जी हैं, उन सब लोगों का जिसका किसी प्रकार के दहेज से कोई मतलब नहीं होता है, उनका नाम लेकर फिर एक बहुत ही गलत तरीके की शर्तें रख देते हैं कि या तो इतना पैसा दीजिए, अदरवाइज हम आपको इस कानून में फंसा कर आपको जेल भिजवा देंगे जी। अनु जी, अगर इस कानून को समझने की कोशिश करें, दहेज विरोधी कानून को जो भारत में लाया गया था और बहुत ही सशक्त कानून माना जाता रहा है अभी तक, अब जो मामले आ रहे हैं वो तो आ ही रहे हैं, जिससे इसमें संशोधन की बात भी कही जा रही है, लेकिन अगर हम इस कानून को समझने की कोशिश करें पहले, तो ये भारत में कब लाया गया था और ऐसी कौन सी इसमें कोई जो धारा है जिसका दुरुपयोग गलत फायदा महिलाएं उठा रही हैं? देखिए, आईपीसी में 1983 दिसंबर में ये अमेंडमेंट से आया था जी, 498A, तो 1860 का लॉ है आईपीसी। मैं तो इस बात पे हैरान हूँ कि इतने सालों में, क्योंकि ये प्रथा दहेज की तो काफ़ी सदियों से है और उसका दुरुपयोग भी हो रहा है काफ़ी सदियों से, और ये बहुत शर्म की बात है कि शादी के लिए ये सौदेबाजी चलती आई है जी, बहुत पहले से चलती आई है। पर मेरे ख्याल से 1983 में दिसंबर में ये अमेंडमेंट इनकॉर्पोरेट होके ये अमेंडमेंट आया है आईपीसी में जी। उसके बाद कुछ साल तो ठीक ही चला, बट हर एक चीज को टीथिंग प्रॉब्लम होती है, और प्रॉब्लम्स के वजह से आई थिंक शायद ये सोसाइटी में एक तरह से ब्रह्मास्त्र, जैसे आपने वर्ड यूज किया था, एकदम से कुछ औरतों को लगा कि ये बहुत सारा हमारे को अधिकार दे दिया गया है, तो शादीशुदा औरतों के पास जिनकी शादी किसी और ग्राउंड पे शायद नहीं भी चल रही हो, तो वो ये दहेज की धमकी और झूठे केस की धमकी, तो ये इस तरह के केसेस रिसेंटली ही हाल ही में बहुत ज़्यादा आ गए हैं। क्योंकि ऑल्सो ये भी देखना पड़ेगा कि थोड़ी सी सोसाइटी में एक सोसाइटी में जो वैल्यू सिस्टम है वो ख़त्म हो रहा है, तो एवरीबडी वॉन्ट्स के क्विक मनी बन जाए, या इस तरह का ट्रेंड इवन लेडीज में जेंट्स में हर जगह देखा जाता है, तो जिस तरह से शोषण हुआ है बहुत साल। तो आप क्या मानती है, पूरे कानून का गलत इस्तेमाल हो रहा है या कोई एक सेक्शन है जिसका कोई, देखिए कानून गलत फायदा उठाया जा रहा है? इसमें दो कानून है लिमिटेड, एक तो
डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट है 1961 का है, और दूसरा 1983 में जो अमेंडमेंट ये वाला 498 आया है, तो ये दोनों ही हैं जो डाउरी को प्रोहिबिट करते हैं, और उसके ऊपर किसी तरह की क्रूअल्टी हो औरत पे बाय द हस्बैंड या हस्बैंड के रिलेटिव्स, तो एनी एक्ट जिससे कि कोअर्शन या जबरदस्ती, जोर जबरदस्ती की जाती है किसी डिमांड के डाउरी की, तो उस तरह की क्रूअल्टी को 498A के अंदर डील किया जाता है. तो 498A में उसमें पनिशमेंट है, तो ये पनिशेबल जी विद 3 इयर्स है. जी अमित जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, आप क्या मानते हैं ये जो धारा 498A है उसका उसका मुख्य कारण क्या है उसका दुरुपयोग होने का? देखिए, जैसा कि आपने बिल्कुल सही बताया कि दहेज विरोधी कानून जो कि महिला के संरक्षण के लिए बनाए गए थे, उस उद्देश्य से बनाए गए थे, जिस उद्देश्य से वो बनाए गए थे, वो उस पर तकरीबन 100% नाकाम रहे हैं, और इसका दुरुपयोग ही नहीं, इसका बड़ा ही वृहद तरीके से दुरुपयोग किया जा रहा है. और इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने इसको एक लीगल टेररिज्म का नाम दिया है, जिस तरीके से इसका दुरुपयोग किया जा रहा है कि एक एक्सटॉर्शन रैकेट बन गया आज की डेट में 498A. लेकिन आप तो सेफ फैमिली फाउंडेशन से हैं, आप ऐसे पुरुषों से आप कोऑर्डिनेट करते रहते हैं, क्या मुख्य कारण, कौन से ऐसे जो केसेस हैं वो सामने आते हैं जहां आपको ये लगता है कि इस कानून का इस्तेमाल ठीक से नहीं हो पा रहा है? देखिए, इस कानून को इस तरीके से बनाया गया है और इस तरीके से इसका दुरुपयोग किया जा रहा है कि आज पति पत्नी में कोई भी छोटे से छोटा मन मुटाव हो, कोई भी डिस्प्यूट हो, वो एक क्रिमिनल केस में तब्दील हो जाता है, वो कोर्ट कचहरी में पहुंच जाता है और क्रिमिनल केसेस कर दिए जाते हैं, शादी के जो चलने के आसार होते हैं वो भी खत्म हो जाते हैं, और सालों साल के लड़के को केसेस, फॉल्स केसेस से लड़ना पड़ता है, जूझना पड़ता है. जी बस जी, अगर हम दहेज विरोधी कानून को देखें भारत में जिस तरीके से ये लाया गया, इसके मुख्य प्रावधान क्या हैं, और ये अगर महिलाओं की सुरक्षा की बात की जाए तो ये किस तरीके से महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करता है? देखिए, हमारे समाज में हमारा जो कानून है उसकी मूल पुस्तक है भारत का संविधान. भारत के संविधान की धारा 14 के अंदर जी सब लोगों को बगैर किसी जाति, धर्म, पुरुष, महिला, जेंडर, इन सब के बराबर अधिकार है. लेकिन ये देखा गया है कि काफ़ी सालों साल तक जो महिलाएं थी उनको बराबर का दर्जा नहीं दिया जा रहा था सोसाइटी में. पति पत्नी का मतलब है कि दोनों को बराबर के अधिकार मिले. जब सरकार ने यह देखा कि महिलाओं पर किसी ना किसी कारण से उनको दबा के रखा जा रहा है और जो संविधान में उनकी गारंटी दी गई है बराबरी की, उस गारंटी का उल्लंघन हो रहा है, तब इस कानून को लाया गया था. जी, इस कानून की बड़ी जरूरत थी क्योंकि ये देखने में आ रहे थे कि बहुत सारे मामलों में जिस महिला का किसी प्रकार से कोई गलती नहीं है उसको भी कुछ लालची लोग दहेज के नाम पर परिताड़ना करते थे, तंग करते थे, और कई बार उसके परिवार तक को बेइज्जत किया जाता था. जी, इसलिए ये कानून लाया गया. चलिए बस साहब, कार्यक्रम के पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ये रंजीत हैं धनबाद झारखंड से. रंजीत जी, क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, दहेज प्रथा जो है और दहेज जो विरोधी कानून है जी, ये महिलाओं के लिए बहुत अति उत्तम है. अगर ये कानून नहीं रहे तो जो शादी होती है, विवाह होती है, लड़के लोगों का जो मन बढ़ जाता है कि ये चीज लेंगे, हजारों हत्याएं हो रही है दहेज के लिए जी. तो महिलाओं को ये सुरक्षा प्रदान अवश्य करना चाहिए. अगर ये कानून नहीं रहेगा तो मर्दों की जो जमात वो बहुत ही और सशक्त हो जाएगा, जिससे हमारा समाज बिखराव की ओर भाग जाएगा. इसलिए इस कानून को रहना, इसको संशोधन भी नहीं किया, इसमें और अमेंडमेंट करके और इसको अति उत्तम बनाने की आवश्यकता है. बिल्कुल, हमारा देश दहेज विरोधी कानून का सही पालन हो सकता है. जी रंजीत जी से बहुत बढ़िया बात करी जी अनु जी, और एक पुरुष इस तरीके की बात कर रहे हैं कि कानून का रहना बहुत जरूरी है लेकिन उसमें बदलाव की जरूरत है, आप क्या मानती हैं? देखिए, बदलाव जैसे जैसे कमियां सामने आती हैं जी किसी भी कानून में, तो उसको एड्रेस करने के लिए कोई कोई अमेंडमेंट आते रहता है. तो जिस तरह की सुप्रीम कोर्ट ने 498A को कंपाउंडेबल भी इस तरह का ऑर्डर किया है कि कंपाउंड भी हो जाता है, जैसे हालांकि ये नॉन कंपाउंडेबल है. बिल्कुल, इट इज़ अ नॉन बेलेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल. पर 1992-93 में एक जोशी के केस में वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा में, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को रियलाइज किया और इस चीज़ को एक्नॉलेज किया
कि जहां पे सेटल होता है मामला आपस में कंपाउंड करके ट्राई करके और आगे फैमिली सपोज दोनों एक दूसरे की, देखिए ये तो बात माननी पड़ेगी कि एक बार केस में दोनों पार्टीज आ गई तो ज्यादातर इतना बैड ब्लड या आपस में इतनी हेट्रेड हो जाती है कि कई बार फैमिली रिवाइव करना इम्पॉसिबल हो जाता है. तो इन दैट केस अगर कॉम्प्रोमाइज करके एमिकेबली सेटल करके अगर दे कैन स्टार्ट विद हां सुलझा के अपना फ्रेश लाइफ स्टार्ट करें और कंपाउंड करें, कंपाउंड में जो लिया दिया था उसको करके सॉर्ट आउट करें और केस को क्वाश करें. ये आजकल बहुत हो रहा है, क्वाशिंग हो रही है. 498 एक्चुअली नॉन कंपाउंडेबल है, इसका क्वाशिंग की जा सकती है, इसको कंपाउंड नहीं किया जा सकता अभी तक है. ऐसे प्रावधान नहीं है, नहीं है ऐसे प्रावधान. और सुप्रीम कोर्ट की बहुत निंदा है इसके ऊपर कई केसेस में और कई अमेंडमेंट्स की बात की गई है लेकिन आज तक कोई अमेंडमेंट इसके ऊपर नहीं किया गया. और जो कॉलर हमारे को अभी कॉल कर रहे हैं उनके ऊपर मैं ये कहना चाहूंगा कि आज हम रोज मीडिया में सुनते हैं कि दहेज के मामले बढ़ रहे हैं क्योंकि उस चीज को बहुत हाईलाइट किया जाता है. 30 साल पहले ये कानून बना था तो क्यों आज आप ये सुनते हैं कि दहेज के मामले बढ़ रहे हैं? कहाँ पे वो कानून सार्थक रहा है और कहाँ पर वो कानून सक्रिय रहा है? इसका ये उदाहरण है कि ये कानून फेलियर है और 30 साल में कुछ नहीं कर पाया. जी चलिए विनोद जुड़ रहे हैं हमारे साथ मध्य प्रदेश से. विनोद जी क्या सवाल पूछना चाहते हैं आप? अब मैडम जी मैं ये कहना चाहूंगा कि जी प्रथा जो है, सुन पा रहे मैडम जी आप? जी विनोद जी. जी विनोद जी आप कहें. हाँ ये दहेज प्रथा जो है इसमें लड़के पक्ष से भी कुछ दहेज लिया जाए, लड़की पक्ष से भी कुछ दहेज लिया जाए और दोनों परिवारों के अभिभावकों के ज्वाइंट अकाउंट में पैसा कुछ समय के लिए रखा जाए, 2-5 साल के लिए बच्चे अपनी जिंदगी सेटल कर ले, उस पैसे को उनको उपयोग किया जाए वो ज्यादा अच्छा है. लड़की से दहेज लेते हैं, लड़के से भी दहेज लो, बच्चों के सुरक्षा के लिए आगे उन्होंने बिजनेस करना कुछ भी करना उसके लिए रखा जाए सबसे अच्छा, मतलब मेरे हिसाब से रहेगा. लेकिन विनोद जी आप मानते हैं दहेज लेना जरूरी है? हाँ जी हाँ, दहेज लेना जरूरी है, लड़के वालों से भी लेना जरूरी है और वो दहेज बच्चे बच्चियों के लिए जमा कर दिया जाए. जी वत्स जी क्या कहना चाहेंगे आप ऐसे मध्य प्रदेश से? ऐसे अभी भी हमारी जनता ऐसी है जिनकी सोच ऐसी है कि दहेज लेना जरूरी है और वो ऐसे प्रावधान सामने लेकर आ रहे हैं, ऐसे ऑप्शंस लेकर आ रहे हैं कि दोनों साइड से लें. देखिए महेश जी को मैं ये बताना चाहता हूँ कि दहेज जो है किसी भी प्रकार से जरूरी नहीं है और दहेज के बगैर ही जो बच्चों की शादी है वो करना एक उत्तम और श्रेष्ठ कार्य है. दहेज ना कहकर देखिए आज से पहले भी वैदिक कालीन में माँ बाप अगर किसी लड़की की शादी हो जाती थी और शादी के उपरांत ये देखा जाता था कि लड़की को किसी प्रकार की वहाँ समस्या है या हमारे दामाद को कोई समस्या है और कोई आर्थिक संकट उन पर आ गया है तो माँ बाप अपनी स्वेच्छा से अगर कोई उनकी मदद करे तो उसमें कोई दहेज नहीं है ना कोई रोक है. लेकिन ये कहना कि दहेज के बगैर शादी ना हो, मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ और ये गलत धारणा है. बिल्कुल वत्स जी. अभी वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लीगल पॉइंट में भी वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हमारी दहेज विरोधी कानून के दुरुपयोग पर चर्चा जारी रहेगी. All that you wanted to know. All that you wanted to see. Everything related to your health is what we tell you in Healthy India. Every Friday, 5 p.m. only on Lok Sabha Television. Are men from Mars? And women from Venus? Who is the better half? Who takes the decisions? Who is responsible? Who is demanding? Who is submissive? Who is independent? Can men and women ever find common ground? To find out, watch Gender Discourse. Every Thursday, 4 p.m. only on Lok Sabha Television.
ब्रेक के बाद लीगल पॉइंट में आपका स्वागत है और आज हम बात कर रहे हैं दहेज प्रथा के खिलाफ कानून की, जिसका हाल ही के वर्षों में दुरुपयोग हो रहा है, गलत इस्तेमाल हो रहा है और कैसे हम इसमें ऐसे प्रावधान ला सकते हैं जिससे ये सुचारू रूप से चल सके और पुरुष और महिला दोनों को समानता इंसाफ मिले। अमित जी, मैं आपके पास आना चाहूँगी और ये पूछना चाहूँगी कि अगर साइकोलॉजिकल सोशियोलॉजिकल इफेक्ट्स की बात की जाए एक पुरुष और उसके परिवार वालों पर, तो किस तरीके से उनको गुजरना पड़ता है अगर वो निर्दोष हैं तो? देखिए, ये पाया गया है पिछले कुछ सालों की स्टडीज़ में कि 90 से 98% मामले झूठे पाए जाते हैं। और मैं आपको कुछ NCRB के अगर आंकड़े दूँ, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के, तो 2011 में ही 2.5 लाख से ऊपर अरेस्ट किए गए हैं सिर्फ 498A में, जिसमें कि 46,000 महिलाएं थीं, कुछ 8,000 से ऊपर बुज़ुर्ग थे और तकरीबन 400-500 बच्चों को अरेस्ट किया गया, जो कि बाद में पाया जाता है कि ये झूठे केसेस थे और गलत इंफॉर्मेशन के बेसिस पे, बिना किसी जांच के, बिना किसी तथ्य को देखे हुए इनको अरेस्ट कर दिया जाता है। कितना सोशल स्टिग्मा एक फैमिली को गुजरना पड़ता है और बाद में पता लगता है कि ये केस झूठा था। तो हमारे पास ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि जिसमें इसके जो अब्यूज़र ऑफ लॉ है उसको पनिश किया जाए। बाद जब सालों साल, 5 साल 7 साल केस चलते हैं, उसके बाद एक्विटल हो जाता है और बाद में पता लगता है कि लड़के की नौकरी जाती रही, परिवार का एक स्टेटस था वो खत्म हो गया और बाद में पता लगा कि ये झूठा केस था। वो झूठा केस करने के बाद उस लड़की को बाइज्जत छोड़ दिया जाता है। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि जो कोर्ट का समय बर्बाद हुआ, जो टैक्स पेयर का पैसा बर्बाद हुआ, जो लड़के की जिंदगी बर्बाद हुई, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? उसके लिए कोई प्रावधान नहीं है। और ये इस चीज़ को बढ़ावा दे रहा है क्योंकि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, कोई मिसयूज क्लॉज नहीं है, इसलिए इसका मिसयूज दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। जी वत्स जी, आप क्या कहना चाहेंगे, ये इस कानून के प्रावधान हैं ऐसे कि जमानत आपको मिल सकती है या अगर एक महिला ने शिकायत करी तो सीधा जेल में? देखिए, धीरे धीरे अदालतों ने इस पर अपनी न्यायिक प्रक्रिया में ऐसे जजमेंट्स दिए हैं कि आजकल खासकर जितने मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है जहाँ पर ये दहेज के केसेस ज़्यादा हैं, वहाँ पर सीधा सीधा व्यक्ति को जेल में नहीं डाला जाता। हालांकि ये गैर जमानती है, लेकिन आजकल एक जो एक ऑफिस ऑर्डर्स होता है पुलिस की तरफ से जी, वो निकाल दिया गया है मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में कि सबसे पहले अगर एक लड़की कंप्लेन करती है कि मुझे दहेज के लिए तंग किया जाता है, तो पहले तो सीधा थाने में उसकी रिपोर्ट लिखकर उनको गिरफ्तार किया जाता था और जेल भेज दिया जाता था और न्यायालय उनकी जमानत पर विचार करता था जी। अब ये क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल बनाए हुए हैं हर शहर में, और दिल्ली जैसे शहरों में तो हर डिस्ट्रिक्ट मैप उसको बना दिया गया है जी। वहां पर वो लोग पहले लड़की को बुलाते हैं, उसके पति को बुलाते हैं और कोशिश करते हैं कि उनका सुलझेड़ा हो जाए, उनका समाधान हो जाए, उनका समझौता हो जाए। लेकिन अगर जब भी दोनों तरफ से कोई अड़ियल रवैया होता है, तो फिर जब एक रिपोर्ट लिख दी जाती है कि इनके फैसले की कोई संभावना नहीं है, तो उस इलाके के DCP से परमिशन लेकर वो जी। बच्चा, आप अगले कॉलर जुड़ रहे हैं हमारे साथ, अनिल गुलाटी हैं दिल्ली से। अनिल जी, क्या सवाल पूछना चाहते हैं आप? जैसे जो है अपना महिलाएं जो है बहुत शोषण कर रही हैं आदमी लोगों के साथ जी। हाँ, बहुत शोषण हो रहा है। महिला जो भी चीज चाहती है, अगर वो वुमेन सेल के अंदर गई है, अगर उसने 80 साल के भी घर के बुजुर्ग का नाम लिख दिया लड़के के दादा का, या तो दादा को भी वुमेन सेल में बुलाया जाता है, बड़ी हरासमेंट होती है इसके अंदर। तो मतलब ऐसा कानून के अंदर प्रावधान हो कि अगर ये लेडीज तो जो भी महिलाएं जो भी जिस तरीके की कंप्लेंट लिखती हैं, जो भी है वुमेन सेल 80 साल के भी बुजुर्ग को बुलाना शुरू कर देता है जी। बड़ी प्रॉब्लम जी, होती है जी। अनिल जी, हम आपका सवाल समझ चुके हैं। अमित जी, आप इसका जवाब देना चाहेंगे? जो ये कह रहे हैं, ये आवाज आज हर सेक्शन के, सोसाइटी के हर सेक्शन की यही आवाज है। आप किसी भी तबके में चले जाइए, आपको हर तबका यही कहता हुआ नजर आएगा कि इस प्रावधान का मिसयूज बड़े पैमाने पे किया जा रहा है। और ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सिर्फ एक स्टेटमेंट के बिना पे उसको एक प्राइमा फेसी एविडेंस मान के पूरे जिस जिसका नाम कंप्लेंट में है, चाहे वो 80 साल की बुजुर्ग दादी हो, चाहे वो 70 साल के कोई बुजुर्ग हो, चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो प्रेग्नेंट महिलाएं हो, सबको सबके अगेंस्ट केसेस हो जाते हैं, उनको बेल नहीं मिलती हैं। लोगों को हमारे पास ऐसे ऐसे केसेस आए हैं कि 4-4, 6-6 महीने
फैमिलीज, मैं सिर्फ दिल्ली की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे भारत की बात कर रहा हूँ। जो वत्स जी ने बताया कि अमेंडमेंट्स हुए हैं, वो अमेंडमेंट्स सिर्फ कागजों में और किताबों में हैं। अगर आप ज़मीनी हकीकत देखी जाए तो उन अमेंडमेंट्स का कोई भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। आज भी केसेस फाइल होते हैं और अरेस्ट कर दिए जाते हैं। लेकिन अनु जी, देखा जाए तो महिला संगठन की आवाज़ को देखा जाए, जो उन्होंने तो इस कानून में कोई भी संशोधन लाने पर विरोध जाहिर किया है, तो महिलाएं नहीं चाहती कि इस कानून में कोई भी बदलाव हो। लेकिन जिस तरीके के मामले सामने आए हैं तो लगता है कि हाँ, इस कानून में बदलाव की जरूरत है। आप क्या मानेंगे? जैसे कि वत्स साहब ने अभी कहा कि ऑफिस ऑर्डर्स इस 498A पर्टिकुलरली के इसमें डायरेक्ट अरेस्ट का ऑर्डर्स नहीं है। इसमें पुलिस को डायरेक्शंस हैं कि पहले CAW सेल्स में दोनों पार्टीज को बुलाया जाए, कंप्लेंट के बेसिस को वेरीफाई किया जाए, ऑथेंटिसिटी वेरीफाई किए जाए, बिकॉज इस तरह की झूठी कंप्लेंट्स को ही आधार मान के इन्होंने इस तरह के ऑफिस ऑर्डर्स हैं, काफ़ी दो चार सालों से हैं, जिसमें कि मेरी नॉलेज में नहीं है कि कोई इमीडिएट लास्ट एक दो साल में हो कि दिल्ली और NCR में के इमीडिएट अरेस्ट हो। उसको सैंक्शन कराना पड़ता है हर एक कंप्लेंट की ऑथेंटिसिटी के बेसिस के ऊपर। DCP ऑर्डर बकायदा होता है, फिर FIR रजिस्टर होती है। हर कंप्लेंट ऑटोमेटिकली FIR नहीं बनती। बिल्कुल। और उसके अलावा जो अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं, हाँ जरूर ये कमी है जिसमें कि अमेंडमेंट की जरूरत है कि इसको बेलेबल बना दिया जाए या कुछ पार्ट प्रोविजन ऐसा किया जाए, कंपाउंडेबल भी कर। कंपाउंडेबल तो इस तरह से है कि क्वॉशिंग अलाउड कर दी है सुप्रीम कोर्ट ने, तो क्वॉशिंग के थ्रू दैट चैनल वो हो ही जाता है, समझौता। हाँ, वो समझौता हो ही जाता है। और वैसे भी दिल्ली सरकार और पूरे देश में एक मीडिएशन सेंटर्स की फैसिलिटीज और काउंसलर्स और कॉम्पिटेंट काउंसलर्स हैं, तो ये चीज जो है ये धीरे धीरे आ रही है, जहाँ पे इवन कोर्ट और अथॉरिटीज में जाने की भी जरूरत नहीं, पुलिस के पास भी जाने, सीधा आप मीडिएशन सेल में जा सकते हैं। है जो होती हैं इन क्वॉशिंग से, जो पहले की प्रक्रिया होती है जिसमें कि एक लड़के के ऊपर इतना प्रेशर डाला जाता है, उससे पैसों की अगुवाई की जाती है, एक तरह से एक्सटॉर्शन। आप देखिए, आप वुमेन सेल में जाके देखिए, वुमेन सेल जो है लड़कों के ऊपर किस तरीके से बर्ताव कर रहे हैं, आप हैरान रह जाएंगे। वहां पर किस तरीके से टॉर्चर किया जाता है, पैसे देकर केस सेटल करने की बात होती है वहां पर, और कुछ नहीं होता है वुमेन सेल। लॉ कमीशन की दो रिपोर्ट्स आई हैं, एक 237th रिपोर्ट आई है और एक 241st रिपोर्ट आई है, जिसमें कि ये रेकमेंड किया गया है कि इसका हाईली मिसयूज हो रहा है और इसमें इसको बेलेबल बना दिया जाए। इससे पहले मलिमत जस्टिस मलिमत कमेटी ने इसमें रिकमेंडेशंस दी थी कि इसको बेलेबल बना देना चाहिए। इतनी चर्चाएं हमारे देश में हुई हैं, इतनी मीडिया में चर्चाएं हुई हैं और राज्यसभा में इतनी चर्चा हुई है, जिसमें ये कहा गया है कि इसको बेलेबल बनाया जाए, इसमें बदलाव लाए जाए, लेकिन आज तक सरकार ने उस ओर कोई गंभीरता से कोई कदम नहीं उठाए हैं और इसका जो मिसयूज है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। कमी आपको कहां लगती है अमित जी, कमी कहां हो रही है, क्यों ऐसा हो रहा है कि इस लॉ में अमेंडमेंट नहीं लाए जा रहे हैं? आपका क्या मानना है, सेफ फैमिली फाउंडेशन का क्या मानना है? देखिए, कमी ये है कि किसी भी देश में कानून बनाए जाते हैं तो जनसाधारण के हित को देखते हुए के उससे बनाए जाते हैं। यहाँ पर जो कानून बनाए जा रहे हैं सिर्फ महिला संगठनों के प्रेशर में आके बनाए जा रहे हैं, सिर्फ एक वोट बैंक पॉलिसीज के हिसाब से बनाए जा रहे हैं। इसमें ये नहीं देखा जा रहा है कि इन कानूनों का आने वाली पीढ़ियों के ऊपर क्या असर होगा, कितना क्या परिणाम होगा इन जी जी। एक अगले कॉलर जुड़ रहे हैं हमारे साथ, अजय दिल्ली से हैं। अजय जी, क्या पूछना चाहते हैं आप? मैं अजय भाटिया बोल रहा हूँ, मैं दिल्ली से। जी अजय जी, सवाल पूछिए। कि हम जो है ना शादी और विवाह समारोह में शरीक होते हैं दिल्ली में, जगह जगह जब भी होते हैं जी, तो वहाँ ये अक्सर देखने को मिलता है वहाँ पर हमें, कि जो है ना दहेज जो है ना लिया भी जा रहा होता है और दिया भी जा रहा होता है खुलेआम। यहाँ तक ये सेकंड और चलन बन गया है कि एक कार जो होती है ना लड़की वालों की तरफ से जो है ना वहाँ पर तैयार रखी जाती है, जो फूलों से सजी रहती है, और जो आमतौर सबको पता होता है कि लिया भी जा रहा है दिया भी जा रहा है। शादी के दौरान इस तरह की चीज सबको पता होती है, तो शादी के बाद क्यों जो है ना ये जो पता चलता है कि ये डायरेक्टली प्रताड़ना हो रही है, ये बात समझ से परे है। उसके सामाजिक पक्ष की ओर ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा, जैसे कि इलाके का SHO है या कुछ सामाजिक संगठन है, NGO है, किसी भी शादी पे जाकर जो है ना दौरा क्यों नहीं करते कि वहां पर किस प्रकार से किसी कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है? जी अनु जी, क्या कहना चाहेंगे आप इनके सवाल पर? मैं ये कहना चाहूंगी कि जैसे मैंने कहा था डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट है जी, उसमें डाउरी सेक्शन 2 में डिफाइन की जाती है, और अगर डाउरी एज अ कंसिडरेशन फॉर मैरिज की ली जाए तो इट इज पनिशेबल।
और वैसे कोई अपनी बेटी को या दामाद को गिफ्ट देना चाहे अपनी मर्जी से, तो दैट इज नॉट कंसिडर्ड पनिशेबल। और उसमें प्रोसीजर होता है, बकायदा लिस्ट बनती है, साइन होता है, काउंटर साइन होता है। तो विद इन द फ्रेमवर्क अगर कोई अपनी बेटी को विदा करते वक्त जो भी गिफ्ट देना चाहता है वो मर्जी से, अगर मर्जी हो, अपनी हैसियत से हो, वो तो बात अलग है, या फिर प्रेशर हो, तो प्रेशर हो तो फिर ऑफकोर्स वो चीज एग्जामिन करनी चाहिए। और उसमें फिर अगर वही मैं कह रही हूँ कि वो कंसिडरेशन फॉर मैरिज अगर आ जाता है तो उसको फिर डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट एज वेल एज 498A में पनिशेबल है वो। तो जी अमित जी, डिस्टिंक्शन के पास आना चाहूंगी। वत्सी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, अगर महिला, जिस महिला ने अपने पति या ससुराल वालों पर आरोप लगाए हैं और वो आरोप एग्जामिनेशन के बाद, जांच पड़ताल के बाद ये साबित हुए कि वो आरोप झूठे थे, तो क्या उस महिला या उनके परिवार वालों पर भी कोई जुर्माना या कोई सजा इस कानून में है? देखिए, इस कानून में 498 में नहीं है, लेकिन भारतीय दंड संहिता में इस तरह का प्रोविजन है। ऐसा कहना बिल्कुल गलत है कि कोई व्यक्ति किसी पर झूठा केस डाले और वो कोर्ट ये साबित कर दे कि ये केस झूठा है। बिल्कुल। तो जो, जिसको विक्टिम हम कहते हैं, जो उससे तकलीफ जिन लोगों को हुई है, वो लोग भारतीय दंड संहिता के तहत उस महिला और उसके परिवार वालों पर एक फौजदारी का मुकदमा दायर करवा सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे, मैं 30 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूं, मैंने लगभग 96 केस ऐसे दायर किए जिसमें से लगभग 80 केसों में महिला वालों के खिलाफ जो है कोर्ट ने जुर्माना भी किया है और 2-3 मामलों में सजा भी की गई है। जी चलिए, अगले कॉलर जुड़ रहे हैं हमारे साथ, श्याम है। श्याम जी, क्या पूछना चाहते हैं आप? मैडम, टीवी में जो चर्चा थे, मैं वो सुन रहा था, दहेज प्रथा के विरुद्ध जो है 498 के विरुद्ध जो दलील दे रहे हैं। जी, मैं खुद भोगी हूँ मैडम, दो लड़की का पिता और एक लड़के का पिता हूँ। जी श्याम जी, एक लड़की की शादी की है और यही बरौनी बिहार में, लड़का वही दिल्ली में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। जी, जो हमने दहेज के रूप में लड़कियों या जैसे भी किया था मैडम, लेकिन लड़के के पिता जो है बार बार उनके माता और लड़का द्वारा दबाव बना करके जो है जी प्रताड़ित किया कि लड़की को मैके में जाके पहुंचा के छोड़ा गया। सेक्शन 9 में केस भी किया गया हमारे यहाँ बेगूसराय में डिस्ट्रिक्ट में, और अभी होलसेल के काफी जमुने के द्वारा जो है जी FIR दर्ज किया गया है। और इस तरह समाज में तो बहुत सा दबाव बना करके दहेज वसूली किया जा रहा है मैडम, इसमें कोई बदलाव नहीं आया इतना सख्त कानून होते हुए, और ये लचीला बनाने की बात यहाँ तक हो रही है। बनाने की बात तो बहुत कुछ हो रही है, अच्छी बात लगती है, वास्तविकता है मैडम कि ये मतलब दहेज की वसूली हो रही है। जी श्याम जी, हम आपका सवाल समझ चुके हैं, लेकिन आपके सवाल का जवाब हम ब्रेक के बाद जरूर लेंगे। अभी वक्त हो चला है ब्रेक का लीगल पॉइंट में, आप देखते रहे लीगल पॉइंट, क्योंकि आज हम बहुत अहम विषय पे बात कर रहे हैं, यानी कि दहेज विरोधी कानून के दुरुपयोग के बारे में। आप जुड़े रहिए लीगल पॉइंट के साथ। Do you take pride in being an Indian? Do you know what role you play in the making of India's democracy? Do you know who takes your voice to Parliament? Do you know it all starts with an MP elected by you? Know your MP and be a better informed Indian. Watch Know Your MP every Friday and Saturday, 8:30 p.m. Leaders around the world. I'm with a very special person. Their policies. We have the necessary infrastructure in place. Their views. India is a successful story. We need to give serious attention. Latest.